अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं schoolse.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस के बारे में अपडेट करेंगे। हम आपको 1GB DDR3 ग्राफिक कार्ड से लेके 3090 ग्राफिक कार्ड तक आपको अपडेट करेंगे, RTX सीरीज तक। इसमें हम आपको इनकी पूरी डिटेल, इनकी करंट प्राइसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम हर मंथ के स्टार्ट में आपको ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस के बारे में अपडेट करेंगे। कुछ ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस जो आपको पता है हाई हुई हैं, इस वजह से हर बंदा जानना चाहता है कि इनकी प्राइसेस करंट मार्केट में क्या चल रही हैं। तो हम आपको इनके बारे में डिटेल में बताएंगे, 1GB ग्राफिक कार्ड से लेके जो है 3090 ग्राफिक कार्ड तक हम आपको सारी डिटेल देंगे। इसके अलावा ये प्राइसेस जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं ये हतमी नहीं है, इनमें अप डाउन हो सकता है सितंबर के मंथ में। लेकिन आप जो है इस वक्त जो हम प्राइस आपको बताएंगे वो जो करंट चल रही है मार्केट में प्राइस, या लास्ट अगस्त के मिड के बाद जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसकी वो जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में जो है इनकी प्राइसेस डाउन हो जाएंगी और जिसकी वजह से ये अवेलेबिलिटी भी इनकी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ जिसमें हम आपको 1GB ग्राफिक कार्ड से लेके 24GB ग्राफिक कार्ड तक की प्राइस के बारे में अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इनके प्राइस के बारे में आप अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल इन ग्राफिक कार्ड के बारे में देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1GB DDR3 64-bit ग्राफिक कार्ड से। तो इसमें AMD NVIDIA ग्राफिक कार्ड, आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड मिल सकता है 64-bit में 2000 से 2200 के दरमियान, या ये आपको 2000 से 2200 के दरमियान ग्राफिक कार्ड 64-bit में 1GB मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 1GB DDR3 128-bit ग्राफिक कार्ड की। तो इसमें भी NVIDIA और AMD के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, लेकिन आपने जो इसकी प्राइस कंपेयर करनी है वो चलती है इसकी प्राइस 3000 से 3500 के दरमियान पाकिस्तान में प्राइस चल रही है इस वक्त इनकी। इसके बाद हम बात करें अगर 1GB DDR5 ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें भी जैसे आपको पता है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से AMD या NVIDIA ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो उनकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंस होता है, लेकिन इनकी मैं एवरेज प्राइस बताता हूँ आपको। ये 5000 से जो है 7500 के दरमियान चलते हैं। इसमें बहुत सारे 1GB DDR5 ग्राफिक कार्ड ऐसे होते हैं जो ड्यूल फैन में आते हैं या उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, जैसे कि GTX 550 Ti हो गया, 650 Ti हो गया, GTX 450 वगैरह, ये ग्राफिक कार्ड है, इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है। तो इसलिए मैंने आपको इनकी एवरेज प्राइस बता दी है, ये आपको 5000 से 7500 के दरमियान मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2GB DDR3 64-bit ग्राफिक कार्ड्स की। तो इनकी प्राइस जो है 5500 से 6000 के दरमियान चल रही है, क्योंकि इनके बिट्स कम होते हैं तो इसलिए इनकी प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है। इनमें आपको जो है GT630, GT730 या कुछ इस तरह के मॉडल्स मिल सकते हैं, या AMD के कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें 2GB DDR3 128-bit ग्राफिक कार्ड की। तो 2GB DDR3 128-bit ग्राफिक कार्ड्स में आपको GT730, GT630 या AMD के कुछ ऐसे मॉडल्स मिल सकते हैं, जैसे R7250 वगैरह ग्राफिक कार्ड शामिल है 128-bit में। तो इनकी मार्केट में प्राइस 6500 से 8000 के दरमियान चल रही है मॉडल के हिसाब से, इनके साइज़ के हिसाब से। आपको पता है कि मार्केट में जो है सेलर वो चार्ज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 2GB DDR5 ग्राफिक कार्ड्स की तरफ, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रो 4000 की। आपको पता है ये रेंडरिंग एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, प्रोफेशनल काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन आजकल इसकी भी डिमांड चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि रेंडरिंग एडिटिंग वालों ने भी अपना काम चलाना होता, तो उनके लिए भी मैं प्राइस को अपडेट करता चलूँ। इसके लिए क्वाड्रो 4000 की जो प्राइस चल रही है 12500 लास्ट चल रही है, 12500 तक आपको लास्ट ये ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं गेमिंग की तरफ आएँ, तो HD 7850 7850 जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक कार्ड है, तो इसकी प्राइस जो है आपको 15000 तक लास्ट मिल सकती है। ये अच्छा कार्ड है, लेकिन एज़ कम्पेयर जो 750 Ti या 660 Ti उससे थोड़ी सी लो परफॉर्मेंस है, लेकिन ये प्राइस में उनसे काफ़ी लो है। इसके बाद हम बात करते हैं GTX 660 की। अगर GTX 660 2GB की बात की जाए तो इसके बिट्स जो हैं 192 होते हैं और परफॉर्मेंस 750 Ti से थोड़ी सी अप होती है, लेकिन इसकी प्राइस जो है 17500 मार्केट में चल रही है। इसके बाद इसी तरह GTX 750 Ti की हम बात करते हैं, तो GTX 750 Ti 128-bit में होता है। जैसे कि आपको पता है कि इस कार्ड की डिमांड हर वक्त ही, हर टाइम ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, माइनिंग की वजह से कह लें, इनकी शॉर्टेज की वजह से कह लें, या आजकल कोरोना की वजह से कह लें,
कोई बहुत सारे फैक्टर्स मिलके इसकी प्राइस में बहुत सारा चेंज लेके आए हैं। जो इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो 17,500 चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 950 2GB 128 bit ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी मार्केट में प्राइस जो है वो 18,500 तक लास्ट आपको मिल सकता है। 18,500 से थोड़ा सा अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन ये पूरे मंथ की प्राइस मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है प्राइजेज अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन जो मैं आज के रेट के हिसाब से आपको अपडेट कर रहा हूँ तो वही प्राइजेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये चल रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 960 2GB ग्राफिक कार्ड की, इसके बिट भी 128 हैं, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 20,000 से 22,000 के दरमियान चल रही है। क्यों इसकी प्राइस इसलिए आई है कि थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल है, इनसे 750 और 660 से थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है और इनके बाद लॉन्च हुआ था, तो इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी सी उनसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 2GB DDR5 256 bit की। 256 bit में बहुत सारे आपको पता है कि मॉडल्स आते हैं AMD के भी और NVIDIA के भी। आपको पता है कि AMD की प्राइस थोड़ी सी कम होती है NVIDIA की निस्बत, लेकिन मैं आपको सबकी डिटेल बताता हूँ जो अवेलेबल होते हैं आजकल मार्केट में। उसमें जो है GTX 760 2GB 256 bit ग्राफिक कार्ड है, तो इसकी प्राइस जो है 20,000 तक मार्केट में चल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 970 2GB 256 ग्राफिक कार्ड की प्राइस के बारे में। उसकी प्राइस जो है वो 23,000 से 25,000 के दरमियान चल रही है। इसी तरह अगर हम AMD के ग्राफिक कार्ड की बात करें जो आजकल मार्केट में इन है या चल रहा है या अवेलेबल है, वो है R9 270 2GB 256 bit। ये भी इनका मुकाबला करता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आपको पता है कि AMD और NVIDIA कुछ कार्ड्स अप कुछ डाउन इस तरह चलता रहता है इनके हिसाब। इसकी प्राइस जो है वो मार्केट में 18,000 तक आपको मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं 4GB 128 bit ग्राफिक कार्ड्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे RX 560 4GB 128 bit ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में 20,000 से 22,000 के दरमियान चल रही है। जी हाँ, 20,000 से 22,000 के दरमियान इसकी प्राइस चल रही है इस वक्त। इसके बाद हम बात करते हैं NVIDIA की ग्राफिक कार्ड GTX 960 4GB की 128 bit की, तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में लास्ट आपको 28,000 से 29,000 तक मिल सकती है। तो इसके बाद जो अगला मॉडल आता है वो GTX 1050 Ti है। 1050 Ti जो यूज़ में आपको मिल सकता है मार्केट में, वो 24,000 तक लास्ट मिल सकता है। जी हाँ, इसकी प्राइस जो है वो 22,000 से 24,000 के दरमियान समझ लें कि चल रही है इस वक्त। और इसके बाद जो अगर आप न्यू में बाय करना चाहते हैं, यही ग्राफिक कार्ड आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बॉक्स पैक लें, तो उसकी प्राइस मार्केट में जो है वो 45,000 तक चलती है। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 1650 ग्राफिक कार्ड की, जिसमें आपको सुपर और TI वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन इनकी मैं आपको प्राइस रेंज बता देता हूँ कि इनकी प्राइस रेंज जो है 50,000 से 55,000 के दरमियान चल रही है। ये भी 4GB 128 bit ग्राफिक कार्ड है। इसमें वेंडर पे डिपेंड करता है इनकी प्राइस जो है, जैसे MSI GIGABYTE ASUS और ZOTEC वगैरह, और आजकल INO3D भी चल रहा है, इसी तरह इन वेंडर की हिसाब से जो है प्राइस इनकी जो है अप डाउन होती है। लेकिन ये इसकी एवरेज प्राइस जो है 50,000 से 55,000 के दरमियान जो है आपको मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे 4GB 256 ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें AMD और NVIDIA के कुछ ग्राफिक कार्ड शामिल हैं जिनकी प्राइस के बारे में मैं आपको अपडेट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं AMD के ग्राफिक कार्ड R9 370 4GB 256 bit की, तो ये इसकी प्राइस जो मार्केट में लास्ट आपको मिलेगी 24,000 तक इसकी जो है लास्ट प्राइस आपको मिलेगी। इसके बाद AMD का ग्राफिक कार्ड आता है RX 470 4GB 256 bit में, तो इसकी प्राइस जो है मार्केट में 30,000 से 32,000 तक आपको जो है मिल सकता है, डिपेंड ऑन वेंडर। वेंडर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कंपनीज जो जैसे ASUS GIGABYTE MSI वगैरह सफायर वगैरह ये कंपनियां आती हैं, इनके हिसाब से जो है इनकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे RX 570 4GB 256 bit ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी प्राइस जो है वो 35,000 से 40,000 तक जो है चल रही है मार्केट में। कुछ वेंडर्स ऐसे हैं कि जैसे सफायर है, GIGABYTE है, या MSI गेमिंग एक्स वगैरह है, तो इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 42 तक भी आपको मिल सकता है। इनकी प्राइस हाई होने की वजह ये है कि आजकल आपको पता है कि माइनिंग बहुत इन है, माइनिंग की वजह से हर बंदा गेमर परेशान है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस बहुत हाई हुई हुई हैं। कुछ हमारी मजबूरी होती है और कुछ हमने गेम्स खेलनी होती हैं, उन पे हमने अपना टाइम स्पेंड करना होता है, उनके बगैर हम जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि हमने गेम खेलनी होती है, तो इसलिए जो है आजकल हम बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन डर के कर रहे होते हैं कल को अगर प्राइजेस डाउन हो गए तो ये हमारा ग्राफिक कार्ड की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तो कुछ कोई बात नहीं, आप सब्र करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जो है ना इनकी प्राइजेस जो बहुत नीचे आ जाएंगे, या इस तरह समझ लेंगे जो आज से एक साल पहले थी ना, वही प्राइजेस जो इन ग्राफिक कार्ड की इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगी।
हम बात करेंगे RX 580 4GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड की। RX 580 4GB जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको जो है 40,000 तक आपको मिल सकता है, 40,000 42,000 तक लास्ट हमने भी ट्रेड किया है। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी आती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपको इसी प्राइस में जो है इस वक्त देंगे। हमारी कोशिश है कि इनकी प्राइजेस कुछ डाउन हो, हमारे पास अगला स्टॉक आए तो हम आपको बेहतर जो है वो प्राइजेस दे सकें, और आपको जब अगली वीडियो में अपडेट कर रहे हो तो इंशाल्लाह ये प्राइजेस इतने नीचे आ चुकी हों कि आप हर बंदा अपने हिसाब से कोई ग्राफिक कार्ड बाय कर रहा हो जो उसको चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 970 4GB ग्राफिक कार्ड की 256 बिट में, ये भी आपको 40,000 तक ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। इसके बाद हम चलेंगे 6GB ग्राफिक कार्ड्स की तरफ, जिसमें 192 बिट से 256 बिट तक ग्राफिक कार्ड जो है उनकी प्राइस रेंज क्या है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी प्राइस जो है आपको 50,000 से 55,000 के दरमियान मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 1660 6GB ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी प्राइस जो है 90,000 से 110,000 तक प्राइस चल रही है। इस पर डिपेंड करता है कि आप सुपर ले रहे हैं, 1660 सुपर बाय कर रहे हैं, 1660 Ti बाय कर रहे हैं, या 1660 सादा बाय कर रहे हैं, तो ये इन तीनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये आपको जो है 95,000 से 110 तक मिल सकता है 6GB ग्राफिक कार्ड्स के बाद हम बात करेंगे 8GB 256 ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आजकल के सबसे हॉट कार्ड की RX 580 8GB की। RX 580 8GB लास्ट वीडियो में जब हमने बनाई थी तो उस वक्त इसकी प्राइस चल रही थी 55,000 तक, लेकिन उसके बाद जो है आपको पता है कि एथेरियम का रेट जो माइनिंग वगैरह करते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है RX 580 8GB की बूस्ट करके 80K तक चली गई थी। लेकिन इस वक्त जो करंट मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 65,000 से 75,000 के दरमियान चल रही है 580 8GB की। इसके बाद हम बात करते हैं RX 570 8GB ग्राफिक कार्ड की, तो ये 60,000 से 65,000 के दरमियान आपको मिल सकता है। उसके बाद RX 470 8GB ग्राफिक कार्ड है तो उसकी बात करें वो 50,000 से 55,000 के दरमियान आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद हम अगर बात करें RX 480 8GB ग्राफिक कार्ड की, तो ये भी आपको 55,000 से 65,000 के दरमियान मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं NVIDIA के 8GB ग्राफिक कार्ड्स की, तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे GTX 1070 8GB ग्राफिक कार्ड की, तो ये आपको 70,000 से 75,000 के दरमियान जो है वो मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे GTX 1080 8GB की, 1080 8GB आपको मिल सकता है जी 75,000 से 85,000 के दरमियान GTX 1080 8GB मिल सकता है। इस तरह अगर हम GTX 1080 Ti की बात करें तो ये आपको हो सकता है कि 1,00,000 या 1,10,000 तक भी मिल जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ग्राफिक कार्ड जो हम डेली रूटीन में बाय करना चाहते हैं या हमारी बाइंग पावर में आते हैं या हम इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ग्राफिक कार्ड्स हैं जो हमारी थोड़ी सी पहुंच से दूर हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारी पहुंच में आ जाएंगे, जैसे कि एनवीडिया की RTX सीरीज़ के कुछ ग्राफिक कार्ड हैं और AMD की XT सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड हैं, तो उनकी प्राइस भी मैं थोड़ी सी आपको अपडेट करता चलूं। तो जिसमें RTX सीरीज़ की सबसे पहले बात कर लें तो उसमें RTX सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं 2060 6GB ग्राफिक कार्ड की, तो इसकी प्राइस जो इस वक्त मार्केट में चल रही है 1,20,000 से 1,35,000 के दरमियान ये चल रही है। इसमें Ti सुपर वगैरह जो है वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप 140K तक अपना बजट कर लें तो। फिर इसके बाद बात करते हैं हम RTX 2070 की, 2070 की बात करें तो ये 1,50,000 से आपको 1,80,000 तक, जी हाँ 150K से 180K तक आपको RTX 2070 Ti सुपर वगैरह ये इनमें आपको जो है मिल सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं RTX 2080 की, जिसमें Ti सुपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इन सब की प्राइस जो है कंपेयर करके या एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, तो RTX 2080 जो है ग्राफिक कार्ड वो आपको जो मिल सकता है वो तकरीबन 2,00,000 से 2,50,000 के दरमियान जो है RTX 2080 मिल सकता है अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी है इस वक्त मार्केट में तो। इसके बाद हम बात करते हैं RTX 3060 सीरीज़ की, इसमें LHR और नॉन LHR का आजकल बड़ा चक्कर चल रहा है, तो इसी तरह LHR और नॉन LHR की वजह से इनकी प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको जो है वो LHR मिलेगा तो उसकी प्राइस बहुत कम होगी, नॉन LHR मिलेगा तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, तो इनकी एवरेज प्राइस चल रही है वो 1,40,000 से 1,70,000 के दरमियान 3060 की चल रही है, जिसमें मैं बात करूँ Ti 3060 Ti की, 3060 सुपर वगैरह की या 3060 सादे की।
तो इसके बाद हम बात करेंगे RTX 3070 की। जैसे कि मैंने आपको बताया LHR और नॉन LHR की प्राइस में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मैं आपको एवरेज प्राइजेस बता रहा हूँ। तो 3070 जिसमें TI सुपर और 3070 सादा है, इनकी प्राइजेज इस वक्त मार्केट में चल रही हैं 1,70,000 से 2,45,000 तक आपको ये जो है ना ग्राफिक कार्ड मिल सकते हैं। माइनिंग के लिए बड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड आजकल माइनिंग के लिए बड़ा बाय कर रहे हैं लोग। नॉन LHR कार्ड आप जब भी बाय करने जाएँ तो नॉन LHR कार्ड ही बाय कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग में ये काम देगा। गेमर्स को इसका फ़र्क नहीं पड़ता है LHR और नॉन LHR का, और गेमर कोशिश करे कि नॉन LHR ले ले, क्योंकि ये कम प्राइस में मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 3080 LHR और नॉन LHR की। तो ये इसकी प्राइस जो इस वक्त मार्केट में चल रही है वो 2,70,000 से 3,00,000 तक चल रही है, वो 270 से 3,00,000 तक मिल सकता है। हो सकता है कि वेंडर के हिसाब से ये थोड़ा सा अब भी प्राइस में चला जाए, लेकिन जो इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है वो 2,70,000 से 3,00,000 तक जो है मार्केट में मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे RTX 3090 की, जिसमें TAU सुपर सबकी तीनों की बात करूंगा मैं, LHR और नॉन LHR भी इसमें शामिल है। तो इनकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 4,30,000 से 5,00,000 के दरमियान जो है मिल रही है। वो आपको जो है वो LHR और नॉन LHR के वो जो चक्कर चल रहा है इस वक्त गेमिंग और जो है माइनिंग वाले कार्ड अलग अलग किए हैं कंपनीज ने, उस हिसाब से आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस इनकी मिल सकता है। अब आखिर में हम बात करेंगे AMD की XC सीरीज़ की। तो XC सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा माइनिंग में यूज़ होने वाला कार्ड है 5500 XT है। इसकी इस वक्त मार्केट में प्राइस जो है वो 1,20,000 तक चल रही है। इसी तरह बात करेंगे हम 5600 XT की। तो 5600 XT कार्ड जो है वो आपको 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान जो है वो ग्राफिक कार्ड मिल सकता है मार्केट में। इसके बाद हम बात करेंगे 5700 XT की। तो इस वक्त जो मार्केट में ग्राफिक कार्ड जो 5700 XT है अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको अवेलेबल हो जाता तो इसकी प्राइस मार्केट में चल रही है 170 से 180 या 185 तक, 1,85,000 तक इसकी जो है ना प्राइस चल रही है। तो मैं आपको इनकी प्राइस डेली के हिसाब से भी अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है अगर आप किसी भी ग्राफिक कार्ड की प्राइस या गेमिंग पीसी की बिल्ड की प्राइस के बारे में या गेमिंग प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है उनकी सारी डिटेल दूंगा। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ग्राफिक कार्ड की प्राइस के बारे में जानना है या आपको गेमिंग पीसी बिल्ड चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको कैश ऑन डिलीवरी भी आपकी सिटी में प्रोवाइड करेंगे। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।